भाई आ गए हैं, आधी होगी, अब लाइट शो स्टार्ट होने वाला भाई, अब लाइटिंग शो एंजॉय करना भाई, एक नंबर प्यारा। हाँ जी गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग भाई। आज सुबह की शुरुआत देख लो भाई, 2:10 हो गए, ठीक है। और मैं तो भाई कब से नहा धो के रेडी हूँ, ये भी दिखाता हूँ भाई, मेरा जूते ज्यादा सब पहन के लेटा हुआ हूँ मस्त, इसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, कभी क्रीम लगाता है, कभी क्या लगा रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ भाई, मैं उठ गया था 11 बजे, रुक जा, पहले मेरे को बोलने दियो। 11 बजे उठ गया, 11 बजे उठने के बाद मैंने वीडियो एडिट करी है, ठीक है, फिर मैं 1 बजे ना ले गया, वीडियो एडिट करने में टाइम लगा। ये एक बजे उठा है, सच बोल दे, ये 1 बजे बेड से उठा है, मैं 11 बजे का बेड से उठ गया था भाई, तो अपने नहा धो के हो गया रेडी। बाकी ये तो अभी जूते जाते पहन रहे, ये तो टाइम लगाता है नहाने को, नहाने के बाद भी इसको आधा घंटा चाहिए तैयार होने के लिए। अच्छा पहन ले, ठीक है भाई। तो मैंने कहा अपना लोकल घुमाते हैं इधर उधर, एक बढ़िया सी लोकेशन पे, तो कहीं भी जाएंगे भाई 1-2 घंटे तो लगेंगे ही, फिलहाल तो टाइम हो गया 2:15। अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना बढ़िया सी लोकेशन पे घूमने चलते हैं, बढ़िया वाली भाई। जब आज अपना नाश्ते में है भाई पाव भाजी, इसके आने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, मतलब पाव भाजी वैसे खाने को नहीं मिलती ना घर पे, अभी तक जिम वाली डाइट चल रही थी, आज मम्मी ने स्पेशल बनाई है भाई पाव भाजी। हमने तो कर लिया नाश्ता, अपना मम्मी कर दिए, मम्मी का लंच है, हमारा नाश्ता है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, मम्मी जा रहे हैं, आएंगे रात को, लेट आएंगे, ठीक है, ओके बाय। निकल रहे हैं भाई अब अपना घर से, ये देख लो भाई, मत खिला इसको, चॉकलेट खिला रहे, खिला उसको, खिला कालू को। ये अब आ गया अपना पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल कह रहा हूँ डीजल 1500 के भरवा रहे, ज्यादा ना भरवा रहे, आधी टंकी तो आई तेल इसमें, हाँ 1500 भाई। अब अपना तेल भी भरवा लिए भाई, ठीक है, अब अपना निकल गए हैं, अब पकड़ते हैं फटाफट, पकड़ते कह रहा हूँ, चढ़ते हैं फटाफट हाईवे पे, और हाईवे पे चढ़ के अपना दोनों भाई भाई मिलेंगे आपको, बढ़िया सी लोकेशन, कौन सी बढ़िया सी लोकेशन, ठीक है, हाईवे पे चढ़ के बात करते हैं भाई। 1 घंटे का रास्ता कवर कर चुके हैं, देख लो भाई, अब रह गया 18 किलोमीटर बस। अभी कहाँ जा रहे हैं हम, बढ़िया सी लोकेशन पर, लोकेशन का नाम बता दो क्या, बता दे, पहली वाली का हम जा रहे हैं, पहले तो नंदी हिल्स, बस इसी का ही बता दे फिलहाल तो, ठीक है भाई। तो आपने इसके मुझे सुनी लिया भाई, हम जा रहे हैं अभी फिलहाल नंदी हिल्स, ये आया तो भाई इसको मतलब आसपास बढ़िया फेमस जगह घुमानी थी, तो बंदे फेमस हैं, ठीक है, तो नंदी हिल्स जा रहे हैं। और जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, अगर उन्होंने लास्ट वाली मतलब जो लास्ट हम नंदी हिल्स गए थे, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप इस व्लॉग में देख लेना, नंदी हिल्स कैसा है, क्या है, कि मतलब कुछ भी, बाकी भाई तो देख ही लेगा, ठीक है, और मैंने तो देख ही रखा है, कोई फिर भी एक बार भाई को भी दिखा लेते हैं, और अपने जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो भी देख लेंगे, और भाई जो भी हुआ था भाई यहाँ पे मस्त जैनवन वाला जैनवन लो भाई, भाई अपने यहाँ से पहाड़ चालू हो गए दिखने, कर्नाटक वाले पहाड़ भाई सामने, भी इनका स्ट्रक्चर भाई अलग ही रहता है, हमारे वाले जो हिमाचल वाले रहते हैं ना पहाड़, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, वो अलग पहाड़ रहते हैं, इनका तो स्ट्रक्चर ही अलग है, दिखाता हूँ रुक जाओ तुम्हें, सामने देख लो, मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई है नंदी हिल्स ऊपर वाला, ठीक है, और वो वाला पहाड़ देख लो, दिख रहा पेड़ आ रहे हैं यार बीच में, ये देखो अलग ही है सीन इनका भाई। अब यहाँ से अपनी चढ़ाई चालू हो गई है, ये देख लो भाई सारा पहाड़ वाला रास्ता है। और लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा भाई, लास्ट टाइम तो अपनी गाड़ी थी नहीं, अपनी गाड़ी कंपनी में खड़ी थी, तो इसलिए गाड़ी मांग के आए थे, आ जाए अपनी अपनी धन्नो को ले गए, सेल्टोस धन्नो। जब अपनी यहाँ से एंट्री होली भाई नंदी हिल्स ही आ गए, ये तो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा मेन के लिए, तो मतलब यहाँ पे अपने गाड़ी पार्किंग होती है ना,
सामने पार्किंग है जी। आज तो भीड़ भड़का फुल है भाई, क्या बात है भाई, फुल भीड़ भाई। लास्ट टाइम आया था बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, खाली था है। इस बार भाई इतनी भीड़ है ना, हद से ज्यादा भीड़ है। देख रहे हो बंदे कैसे उतर रहे हैं, जैसे ऊपर मेला लग रहा हो, समझ रहे हो बात को। अरे ऊपर वो आया हुआ है। कौन आया हुआ? अक्षय कुमार। पीछे बंदा बता रहा था कोई बंदा ना बता रहा, ऐसी ऐसी बातें फैल रहा है। हन्नी अगर बस ना मिली चढ़ के जाना पड़ेगा फिर। ये तो भाई मेरे से भी ज्यादा आलसी है, मैं कम से कम उतर के तो पैदल आया था। उतर लेगा पैदल? ऊपर जाके देख लूंगा जैसा सीन। ओए आंटी ने पहल दिए जैया को, बोल रहा था कुछ उल्टा सीधा, आंटी ने पीछे से लैपटॉप दे दिया। सरोवर का नाम है अमृत सरोवर, सर मिर्जाम इस्माइल भाई इसने बनवाया था। प्री वेडिंग शूट चल रहा किसका? और भाई ऐसा कुछ है, यहाँ मछली वगैरह भी रहती हैं, पिछली बार दिखाया था वहाँ, अपना प्री वेडिंग शूट चल रहा भाई। दूल्हा चेंज करवा दूँ, तू लग जाए उसकी जगह। वो देखो भाई ईद की शादी में ये वाला पोज भी आने वाला है। बाकी वो देख लो भाई, मछली दिख रही है ब्लैक ऑरेंज वाइट। ये आ गई बस कर्नाटक टूरिज्म की है, भीड़ ज़्यादा है। फटाफट बैठ गए दोनों भाई बस में, देख लो ठीक है। भाई इतनी भीड़ है ना, बस सेकंड में भर रही है। पिछली बार तो तुमने देखा होगा तैयार जी, पिछली बार तो तुमने देखा होगा बस भी खाली थी, इस बार पूरी भर रही है, पूरी बैग ए टू जेड। अच्छा जितने भी उतरे थे ना, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, अब पता नहीं क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तब भी इन्होंने पैसे लिए थे हमसे। अभी ले भी तो रहा था, तू नहीं दे रहा था। हमसे नहीं लिए ना, चलो हम किसी से भी नहीं लिए अभी उतरने के बाद पैसे। तूने तो दे दिए। हाँ तो मैंने दिए ना, वही तो कह रहा हूँ, कंडक्टर कहाँ गए, वो जो कार्ट रहा। वही तो समझ नहीं आ रहा, अभी तो साथ ही था अपना भाई, ईमान साफ है भाई। आ गए भाई नंदिल्स से, नो टू प्लास्टिक। और भाई ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, देख लो भाई वो बंदर है ना सामने, जो वो योगा कर रहा है भाई अभी, ठीक है वो बना चल रहे ऊपर, देख लो भाई ऐसा कुछ व्यू है भाई यहाँ से। और ये जितने भी देख रहे हो ना नीचे, ये सारे खेत बने हुए हैं भाई, ठीक है। और भाई इस साइड में होटल है ये वाला, बाकी भाई व्यू तो जेन्युइन है, एक नंबर। परली साइड से ना इतना कोई खास व्यू है नहीं जितना परली वाली साइड से, तो मतलब वहाँ पे बढ़िया है फोटो वगैरह करवाने के लिए, बढ़िया है। और वैसे मतलब है तो व्यू सेम ही, पर यहाँ पे क्या है ना, ये जाली लगी हुई है भाई, तो ढंग से फोटो वगैरह भी नहीं आ पाती, बेकार से लगता है। तो परली तरफ जा रहे हैं अभी भाई, यहाँ से दिखता है वो जो व्यू, वहाँ से देख रहे थे ना वो व्यू, यहाँ से ज़्यादा बढ़िया दिखता है। दिखाता हूँ तुम्हारे को, एक तो भाई ये पहाड़ देख लो, पेड़ पौधों वाला है, यहीं पे दिखता है, हमारे वहां तो नहीं दिखता। ये है भाई व्यू देख लो, तो देख रहे हो। और यहाँ के जितने बंदर है ना भाई, सबकी बीच की मांग निकली रहती है, नीचे भी है वो देख लो। तो कोई बताना क्या हिसाब किताब है इनका, इसकी भी मांग निकली हुई बीच की। ये तो बच्चा है जहाँ तक, काटे खानी। राम राम। अभी टाइम हो गया सनसेट का, हम आए इसलिए इसी टाइम पे ताकि आप लोगों को यहाँ सनसेट होते दिखा सकें और हम भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। वो तो अपना भाई स्टोरी डालने में बिजी हो रहा है। और भाई जितनी भीड़ आ रखी है ना, देख लो इधर ये सारी भाई सूरज को हाथ में ले लिया भाई ऐसे करके, ऐसी ऐसी फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, पता कौन कितना सीखा हमने। ये तो पीछे चार बंदे बैठे हैं ना, ये लगे पड़े थे ऐसी फोटो खींचने में भाई, बंदे देख रहे कैसे कैसे आते हैं, जानू की शक्ल में बना रहे हैं।
जानू खराब कर दिया भाई किसी का मैंने। और भाई अब सनसेट होने वाला है, मैक्सिमम 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन भाई ऊपर देख रहे हो सन के आसपास पूरा का पूरा ही मतलब ऑरेंज सा हो रहा है, बढ़िया व्यू देख लो भाई। अब जाने वाला भाई सन और बादलों के पीछे छुप जाएगा, फिर कल निकलेगा डायरेक्ट। देख लो सनसेट हो चुका है भाई, बस कलर्स रह गए थोड़े से ऑरेंज वाले, बाकी अब अपना निकल रहे हैं भाई। सन तो चला गया भाई अपने घर, हम भी चलते हैं किसी और चले, क्योंकि भाई अब सारी इतनी पब्लिक है ना भाई, सनसेट देखने सनसेट तो सारे निकलेंगे, तो भाई अपना फटाफट पहले निकलते हैं क्योंकि सनसेट तो हो चुका है, ताकि भाई बस मिल जाए, वरना बस में भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ है भाई। 10 बस के बाद नंबर आएगा भाई। अभी आए थे भाई, अपना कॉफ़ी ले लिए दोनों ने ही, कहाँ चला गया वहीं रुक गया, ठीक है। खाना तो भाई यहाँ पे इडली सांभर ही मिल रहा है, इडली डोसा, तो वो तो खाना नहीं है, अपना चलते हैं। बस कह रहा हूँ कि कॉफ़ी पाउडर है तो कह रहा और चाहिए क्या ठीक है, तो अजीब से मतलब पाउडर नहीं डाला, कुछ और ही डाला था, लिक्विड डाला था ना, वो बनी बना के रखते हैं कॉफ़ी, मतलब ठीक है। बाकी खाना पीना नहीं करा, कॉफ़ी ले ली, ये आ गई बस अपनी, वो अपना बस बस में बैठेंगे और फिर नीचे, फिर किसी और के घर जाएंगे भाई। अब की बार ये वाली बस मिली ट्रैवलर, इसमें बैठेंगे अब अपना दोनों भाई कॉफ़ी पीते पीते। भाई फुल बढ़िया तरीके से चिल्ला रहा भाई, बढ़िया तरीके से आसाम गया वो, मतलब बढ़िया बढ़िया चला रहा था, पूछा था ना मैंने अभी करा शाम को, मगर तभी चला रहा था। और भाई अपनी बस पूरी फुल नहीं है, खाली बढ़िया भी, लेकिन अपना ड्राइवर ओके है, वो कह रहा चल रहे हैं हम, तो अपना टाइम से नीचे पहुँचेंगे, मतलब बंदे ज़्यादा थे और सारे अपना खाना पीना करने बैठ गए, कुछ वहाँ भी बैठ गए हिल टॉप पे, हम तो अपना नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चले। और भाई अगर आप बस पे अप डाउन करते हो ना, तो सिंगल सिंगल साइड का फेयर है बस का 25 एक परसेंट, जहाँ से जाने के भी अलग है, आने के भी अलग हैं, लेकिन मतलब सिंगल साइड फेयर है 25, और लेना सिंगल सिंगल ही पड़ेगा, मतलब 50 रुपये एक बंदे का है भाई, क्या दिक्कत मतलब क्या ही माड़ा है ठीक है हाँ, नहीं तो अपना पैदल चल के जाओगे ट्रैक करके, मर्जी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने अपने मर्जी है, ट्रैक करके जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा हमारे जैसे को, तो बाकी सबका अपना पर्सनल चॉइस रहती है भाई। क्यों भाई ऋतिक, बिल्कुल भाई ठीक है जी, अपना जा रहे हैं, आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट लोकेशन उसमें वो आप ज़्यादा खुश हो जाओगे, वैसे जनरल खुश हो जाएंगे, वहाँ तो मजे मौज बांध देंगे भाई। चलो भाई तुम्हारा भाई नए जूते पहन के आया, देख रहे हो ये वही है एडिडास वाले, जब गाड़ी पे गुड़गांव गए थे गाड़ी से, तब गुड़गांव से खरीदे थे, तो वही वाले बढ़िया लग रहे हैं ना, लेकिन देखो फेमस और अंदर देखो क्या हाल है भाई। भाई अब अपना निकल लिए, अब जब भाई पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग भाई घर जाएंगे दोनों भाई, लेकिन फिर हमारा प्लान हो गया चेंज, हमने कहा भाई जब नंदी हिल्स आए हैं तो पास में भाई भोलेनाथ का घर है, तो फिर हम दोनों ने भाई प्लान बनाया कि भाई भोलेनाथ के घर चलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अपने घर। हम जा रहे हैं भाई आदि योगी, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं भाई, क्योंकि पहले जब गया था ना, पहले वाला व्लॉग देखा होगा, काफ़ी टाइम पहले गया था जब, तो उस टाइम दिन के टाइम पे गया था, तो लाइट यहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह भी बहुत प्यारी रहती, बहुत प्यारी, तो वो भी आप लोग एंजॉय करना और बाकी दर्शन भी कर लेना, हम तो दर्शन भी करेंगे और दोनों अपना लाइटिंग वाला सीन भी एंजॉय करेंगे। क्यों भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक दो शब्द हो जाए कुछ दिखाएंगे भाई, चल के दिखाएंगे दो शब्द, क्या बोलूं कुछ भी बोलो क्या बोलूं भाई के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं भाई, ठीक है सब खत्म हो गया भाई अब सब वहीं जाके निकलेगा भाई, भोलेनाथ के घर पे वहीं जाके वहीं बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है भाई वहीं चल के मिलते हैं भाई। ये देखो एंट्रेंस उस टाइम बन रही थी वाली जब लास्ट टाइम आए थे, अब रेडी हो गया भाई द अबोर्ड ऑफ योगा भाई। जितनी भी भीड़ देख रहे हो ना गाड़ियों की, ये सारी भाई आदि योगी के लिए ही है, क्योंकि भाई इस टाइम लाइट वाला शो होता है ना, तो इसलिए सारे इसी टाइम जा रहे हैं अपना देखने के लिए, वहाँ पे जाके इसका मतलब बहुत भीड़ मिलने वाली है। उधर देखो भाई कितनी भीड़ है, दिखाइए पतली तरफ से,
देखो भाई जी बहुत भीड़ है, जाम भी आ गया मेरे, थोड़ा थोड़ा रास्ता छोटा है आगे, ये देख लो भाई। लेकिन लाइट वगैरह अभी नहीं जल रही, यहाँ से मिलती है भाई पहली झलक। नीचे भीड़ दिखा, भीड़ दो भाई। हाँ सही कह रहा है, भीड़ देख लो भाई सारी भाई, अंधी भीड़ है अंधी। तो ये भी नहीं पता पार्किंग मिले ना मिले, पीछे अभी भी बहुत गाड़ियाँ हैं, पीछे तो बहुत ही है, आगे भी बहुत है पीछे भी बहुत। भाई अब उन्होंने गाड़ी लगा दी पार्किंग में, अब जा रहे हैं अंदर। पता नहीं भाई कितने बजे होगा शो, मेरे को तो लगा था 7 बजे का शो होता है, बाकी भाई वहाँ जाके पता लगेगा। भाई आ गए हैं, आधी होगी अब लाइट शो स्टार्ट होने वाला भाई, यहाँ पे इसलिए भाई मेरे को आ रहा था भाई बहुत तेज, समझ रहे हो ना भाई, अपना करने गए लेकिन करने नहीं जा पाए क्योंकि वो ऊपर जाके था और मतलब शो स्टार्ट होने वाला है और उन्होंने कहा भाई टॉर्च बंद कर लो, ठीक है अब लाइटिंग शो एंजॉय करना भाई, एक नंबर प्यारा। और भाई भीड़ देख रहे हो कितनी है, अंधी भीड़ है भाई। और पहले जब तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम आए थे ना तो ऊपर तक गए थे भाई, आधी होगी जी तक, लेकिन इस अभी रात के वक्त लाइटिंग शो है ना तो इसलिए किसी को भी नहीं जान दे रहे, दिन में अलाउड होता जाना, ठीक है। और भीड़ देख लो भाई, अंधी भीड़ है भाई अंधी। मैं कह रहा हूँ भाई इतना प्यारा लाइटिंग शो था ना, हद से ज़्यादा प्यारा था वो, देख लो एक लाइट तो ब्लू कलर का तो अभी भी जल रहा है, बाकी लाइटिंग लाइटिंग वाली वो देखनी हो वीडियो वो इस ब्लॉग में नहीं होगा, वो दूसरे वाले ब्लॉग में होगा, ठीक है। बाकी सिंगल कलर तो इसमें दिख ही रहा है, ठीक है जी। बाकी भाई अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, अब अपने घर जाएंगे, अभी आए थे महादेव के घर, अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए।